शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष आकृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिनों से हमारी चर्चा चल रही है मंगलिक योग को लेकर। मैंने तुला लग्न की कुंडली तक कल आपको विस्तृत जानकारी दी कि तुला लग्न की कुंडली में कहाँ कहाँ मंगल पड़ा होने से मंगलिक योग बनता है और कहाँ वो नहीं बनता है। आपने बहुत सराहना की, आपको इस बारे में ज्ञान हुआ। ये शास्त्रों के सम्मत बातें हैं, शास्त्रों में ये लिखी गई हैं, लेकिन हाँ, ये मूल ग्रंथों में नहीं लिखी गई, ये एक अलग विषय है। ये बहुत बाद में रिसर्च करके इसमें एडिशन किया गया। अगर कंसिड्रेशन की गई पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें, बारहवें में, तो साथ ही कंसिड्रेशन के कैंसलेशन के श्लोक्स भी लिखे गए। तो हम अगर पूर्णतः श्लोक्स को पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा केसेस में हमें वो कैंसल होता मिलेगा। अगर हम योगाध्याय को पूरा जाकर के पढ़ेंगे तो जिन कुंडलियों में मंगल योग कारक बन जाता है, अच्छे फल देने के काबिल बन जाता है, वहाँ मंगलिक योग कैंसल माना जाता है, जिसकी आज भी मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूँ। स्कॉर्पियो लग्न में, स्कॉर्पियो लग्न में भी मंगल देवता लग्न लॉर्ड होने की वजह से अति योग कारक ग्रह माने जाते हैं। यानी इस पूरी कुंडली की कंट्रोलिंग पावर मंगल देवता के पास चली जाती है। तो मंगल देवता इस कुंडली की सुप्रीम पावर होने की वजह से योग कारक ग्रह सबसे पहले मंगल देव बने, यानी जातक स्वयं ही मंगल देवता बन गया। योग कारक की विस्तृत जानकारी मैं आपको पहले भी देता आया हूँ, प्रिय दर्शकों याद रखिएगा। योग कारक ग्रह वो होता है जो जहाँ बैठे, जहाँ देखे, जहाँ जाए, उस घर की वृद्धि कर दे। और मारक ग्रह वो होता है जहाँ जाए, जहाँ बैठे, जहाँ देखे, उस घर का नुकसान कर दे। जब तक उस पर कोई थ्योरी प्रॉपर विपरीत राज्यों की एप्लीकेबल ना हो तब तक। तो योग कारक ग्रह, जो कि लघु पराशि के योगाध्याय में बहुत डिटेल में लिखा गया है, तो योग कारक ग्रह अगर विवाह स्थान पर दृष्टि डालता है या वो विवाह स्थान पर विराजमान होता है तो वो कभी भी विवाह स्थान को खराब नहीं करेगा। इस बात को बोर्ड की मदद से आपको समझाता हूँ। ये स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली है प्रिय दर्शकों। मान लीजिए लग्न में ही मंगल देवता विराजमान है। लग्न में मंगल विराजमान होने से इस कुंडली में जातक के लिए वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। पंच महापुरुष योग बनाने का मतलब ये हुआ कि वो जातक को हर तरफ से सुख सुविधाएं देने में बाध्य हो गए हैं। और आप बहुत से विद्वानों को अगर ये कुंडली दिखाओगे तो हर विद्वान आपको मूंगा पहनने की रिकमेंडेशन ज़रूर कर देगा कि आप मंगल का मूंगा पहन सकते हैं, जो आपका फिजिकल बॉडी एनर्जी लेवल मेंटेनेंस के लिए, काम निकलने के लिए सदैव अच्छा फल देगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर मूंगा पहनने से यहाँ के सातवीं दृष्टि, जो दाम्पत्य सुख, डेली वेजेस और पार्टनरशिप पर पड़ने से खराब होती, तो क्या यहाँ मूंगा पहनना अच्छे के लिए माना जाता? नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं करती, वो एक योग कारक ग्रह है। और योग कारक जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उस घर की वृद्धि कर देता है। अगर यहाँ से मंगलदेव सातवें भाव पर दृष्टि डालता है तो सातवें भाव को बचाता है, पार्टनरशिप को बचाता है, डेली वेजेस में नित नवे रास्ते खोल करके एडवांटेज ही देता मिलता है। क्यों? क्योंकि मंगलदेव योग कारक ग्रह है। जहाँ बैठेगा, लग्न में बैठा है, लग्न के एडवांटेज, जहाँ वो दृष्टि डाल रहा है उसके भी एडवांटेज। अगर ये खराब करता तो कभी किसी भी ग्रंथ में मूंगा इस लग्न में, इस स्थिति में पहनना रिकमेंडेड ही नहीं होता। लेकिन वो हर विद्वान आपको रिकमेंड करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल देवता की जितनी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ी, उसे स्टेबल करने में, उसे स्थिर करने में, उसके रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट देने में मंगलदेव बाध्य हो जाएंगे, क्योंकि वो एक योग कारक ग्रह है। और यही हमारी कैलकुलेशन का मूल आधार नियम होता है। हम कुंडली में योग कारक ग्रहों की गणना करना सही ढंग से भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें परेशानी शुरू हो जाती है। तो मंगल इस लग्न कुंडली का योग कारक ग्रह, उसकी जितनी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ी,
वो रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाया, सातवें भाव पर दृष्टि डालने से सातवें भाव के रिगार्डिंग भी सदैव पॉजिटिव रिजल्ट दिए। तो इस लगन में पड़ा हुआ मंगल स्वग्रही होने से रुचक नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है, मंगलिक योग नहीं बनाता। इस जातक को मंगलिक कदापि कंसिडर नहीं किया जा सकता अगर पहले भाव में ही मंगल पड़ा हो तो। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं अगर मंगल चौथे भाव में पड़ा हो। लगन लॉर्ड उठ करके चौथे भाव में आ गया है, माता गाड़ी भूमि वाहन मकान सुख सुविधाओं के लिए तो अच्छा हुआ ही। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी चौथी दृष्टि डाली सातवें भाव पर डाली गई चौथी दृष्टि भी डेली वेजेस, पार्टनरशिप और दाम्पत्य सुख को सदैव अच्छा करेगी। तो यहाँ भी आपको हर जातक मूंगा, हर विद्वान जातक के लिए मूंगा रिकमेंड कर देगा, क्योंकि मंगल की जितनी दृष्टि सातवें भाव पर पड़ेगी उतनी ही वो स्टेबल करने में उसे सहायक सिद्ध होगी और सातवें भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, वो चीज़ एडवांटेज का रिजल्ट देने में बाध्य हो जाएगी। मंगल देवता की जितनी चौथी दृष्टि सातवें भाव पड़ेगी वो चौतरफा लाभ देने में बाध्य होगी, सातवें घर के पॉजिटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगी, डेली वेजेस पार्टनरशिप को इंप्रूव करके दाम्पत्य सुख के स्टेबिलिटी के लिए सदैव एडवांटेज देती ही मिलेगी। तो यहां भी मंगल देवता मंगलिक नहीं कंसिडर किए जाएंगे, वो सदैव शुभ माने जाएंगे, वो मंगलिक योग के अंडर कदापि नहीं आएंगे। दर्शकों, मंगल देव अगर सातवें भाव में पड़े हुए, सातवें भाव पे लगन का मालिक उठ करके सातवें भाव में चला गया, योगाध्याय में हमने ये डेफिनेशन पढ़ी है, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ ताकि आपको पक जाए कि योग कारक ग्रह जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उस घर की वृद्धि करता है, उसके रिगार्डिंग हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो अगर मंगल स्वयं ही उठ के सातवें घर में आ गया तो पार्टनरशिप को भी स्टेबल करेगा, डेली वेजेस को भी स्टेबल करेगा और दाम्पत्य सुख के भी पूर्णतः जातक को सदैव एडवांटेज ही मिलेंगे, क्योंकि मंगल देव सबसे पहला योग कारक ग्रह है इस लग्न कुंडली का। तो सातवें घर में पड़ा हुआ मंगल देवता भी कभी मंगलिक योग के अंडर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप करते हो इसको मंगलिक कंसिडर, तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो, बेसिक शास्त्रों के नियम से उल्टा चल रहे हो। तो लगन में मंगलिक नहीं कंसिडर होगा, चौथे भाव में मंगलिक नहीं कंसिडर होगा, सातवें भाव में भी मंगलिक कंसिडर नहीं होगा। लेकिन दर्शकों, अगर मंगल देव आठवें भाव में पड़े हुए, मिथुन राशि के आठवें भाव में पड़े होने से मंगलिक योग कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल बॉडी का कारक और लगन लॉर्ड दोनों ही उठ करके आठवें भाव में चले गए। यहाँ मंगल देवता योग कारक नहीं रहे, यहाँ मंगल देव एक मारक ग्रह बन गए हैं। और मारक की डेफिनेशन, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर के रिगार्डिंग नुकसान देना। तो मंगल देवता अगर अष्टम भाव में पड़े हो तो उसे मंगलिक कंसिडर किया जाएगा और उस जातक की सदैव पत्री मिला करके ही आपको विवाह संपन्न करना चाहिए, ताकि आने वाला जीवन, वैवाहिक जीवन जो होगा वो उसके लिए सुखमय हो। दर्शकों, अगर मंगल देव बारहवें भाव में पड़े हुए, बारहवें भाव में पड़े हुए मंगल देवता कभी भी पूर्ण जिंदगी अपनी दशा अंतरदशा में आपको एडवांटेज देंगे ही नहीं। उसका सबसे मुख्य कारण यही होगा कि लगन लॉर्ड उठ के बारहवें घर में चला गया है, व्यय के घर में चला गया है और वो इस लगन कुंडली का एक मारक ग्रह बन गया है। अपने मारकित्व की वजह से मंगल देवता सदैव आपको प्रॉब्लम्स देते ही मिलेंगे। जितनी मंगल देवता की आठवीं दृष्टि सातवें भाव पर पड़ी उसके रिगार्डिंग टोटली डिसएडवांटेज दे करके जातक का जीवन यापन सदैव मुश्किलों से ही भरता मिलेगा। तो इस लगन कुंडली में केवल अष्टम भाव में और द्वादश भाव में मंगलिक योग कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर उस पर बाकी की कंडीशंस अप्लाई हो जाएं तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है, जो मैं आपको पिछले कई एपिसोड से समझाता चला आ रहा हूँ। मान लीजिए अष्टम भाव में और द्वादश भाव में
मंगल 0 डिग्री का पड़ा हो तो वो जातक मंगलिक कंसीडर होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे डिग्री वाइज डिफाइन करने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि आप इस कैलकुलेशन को अब समझने लगे हैं। हर जातक अपनी डिग्री देखता है और पता लगता है कि जी मुझे तो इतने % रिजल्ट मिलने वाला है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरी सही दिशा में की हुई रिसर्च आपके किसी काम आ रही है। तो मंगल देवता अगर कुंडली में 8वें भाव में या 12वें भाव में 0 डिग्री के पड़े हों तो वो जातक मंगली कंसिडर नहीं होगा। मंगल 29 डिग्री का 8वें भाव में या 12वें भाव में हो तो वो मंगली कंसिडर नहीं होगा। मंगल 8वें और 12वें भाव में अगर अस्त अवस्था में यानी सूरज के साथ बैठकर अस्त अवस्था में आ जाए तो भी मंगली कंसिडर नहीं होगा। मंगल देवता बृहस्पति से दृष्ट कहीं से हो जाए या बृहस्पति के साथ युति बना ले तो भी मंगलिक योग कंसिडर नहीं होगा। 7वें घर का मालिक 7वें घर को देख ले तो भी मंगलिक योग भंग हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, ये बात आपको बड़ी अच्छी तरह समझनी होगी कि मंगल इस लगन कुंडली में कितना योग कारक या कितना अयोग कारक है। अगर वो योग कारक है और सिर्फ इल प्लेस्ड होने से अयोग कारक बना है तो उसमें डिग्री वाइज बलाबल कितना है और उसकी स्थिति क्या है, वो मैरिज हाउस को कैसे इम्पैक्ट देने वाला है या मैरिज से रिगार्डिंग कैसे उसके रिजल्ट्स नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि वो फिजिकल बॉडी का कारक माना जाता है और मैरिज के इंस्टीट्यूशन में फिजिकल बॉडी का स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी रोल प्ले करता है। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी होगी कि मंगलिक योग कोई हवा नहीं है, मंगलिक योग किसी की डर की वजह नहीं होना चाहिए। मंगलिक एक बहुत छोटा सा योग है जो प्रैक्टिकली अगर आप सही दिशा में शास्त्रों को पढ़ोगे तो 80-90% कुंडलियों में वो कैंसलेशन के पॉइंट्स के साथ मिलेगा। आप नेट पर भी जाके पूरी रिसर्च इसकी कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को खोल के देखिए, आपको कैंसलेशन के पॉइंट्स श्लोक सहित लिखे मिलेंगे। तो मंगल एक डरने की वजह नहीं है, या मंगलिक का वहम लेकर के जो लड़के लड़कियों की मैरिजेस डिले हो जाती हैं वो 90% जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो ये योग है ही नहीं, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक गलत कैलकुलेशन सामने वाले की ज़िंदगी जो आपको विश्वास रख के आया है उसकी बर्बाद करने के लिए काफ़ी। आप कह दो जी मंगलिक है, जबकि शास्त्रों से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। मंगल कहीं भी 0 डिग्री पड़ा हो, मैं ये ओपन चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हर कोई बंदा इसको मानेगा, इसे कोई भी फैक्टर डिनाई नहीं कर सकता। अगर मंगल 0 डिग्री पड़ा है तो वो किसी भाव के रिजल्ट देने के काबिल ही नहीं है, तो कैसे आप उसे मंगलिक कह सकते हो। अस्त अवस्था में हो, 29 डिग्री हो, किसी भी प्रभाव में हो, ऐसी अवस्था में जहाँ वो बलहीन हो जाए वो योग कैंसल माना जाता है। तो आज आपने जाना कि स्कॉर्पियो लग्न की कुंडली में सिर्फ 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगली कंसिडर होता है, लेकिन वहाँ भी अगर वो कैंसलेशन में आता है तो आप बाकी के पॉइंट्स उसके साथ मैच करके देख लीजिए जो मैंने अभी आपको विस्तृत जानकारी में बताए। तो मंगल जो है वो डरने की वजह नहीं होनी चाहिए। मंगल सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, वो सिर्फ एक क्रूरता वाला ग्रह है, उसमें पापित्व नहीं माना जाता। अगर पापित्व माना जाता तो कभी ये नहीं कहा जाता कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, मेरे घर में मंगल कार्य कब होगा, आपका मंगल हो। तो मंगल को समझना एक अलग बात है, बदनाम करना एक अलग बात है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब ये आपको समझना है कि मंगल कार्य आपको घर में करवाना है इस मंगलिक योग के वहम से निकल के, या इसकी सही दिशा पकड़नी है ताकि आपका कुंडली में सही विवेचन हो पाए और आपको पता चल पाए कि आपका जातक या जातिका या आपका बच्चा या बच्ची मंगलिक है या नहीं है। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।